टीवी सीरियल राधा कृष्ण में आपने देखा कि कैसे हस्तिनापुर का विभाजन करने के लिए पांचों पांडवों से राय मांगी, लेकिन उसमें अर्जुन ने मौन रहकर सारे पांडवों का सर गर्व से नीचे झुका दिया, क्योंकि उन्हें जितना गर्व था अपने भाई अर्जुन पर उतना ही आज उन सबको शर्मिंदा होना पड़ा अर्जुन के मौन रहने पर। और आज रात के एपिसोड में आप देखेंगे कि श्री कृष्ण की एंट्री तो हो गई है हस्तिनापुर में, लेकिन वो अर्जुन से काफ़ी ज़्यादा खफा खफा आएंगे नज़र। श्री कृष्ण को देखते ही अर्जुन उनके ऊपर सब कुछ छोड़ देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी और कहेगा कि अब आप आ गए हैं नारायण, तो अब आप सवाल संभालिए सब कुछ, आप जो भी करेंगे वो हमारे हित में ही होगा, मैं आपके हर एक डिसीजन को अच्छी तरह से मानूंगा। लेकिन श्री कृष्ण को यहाँ बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अर्जुन से कहते हैं कि अगर ये बात सिर्फ तुम्हारी होती पार्थ तो मैं कभी नहीं बोलता, लेकिन ये संपूर्ण पांडवों की बात है, उनके भविष्य की बात है, इसलिए मुझे बोलना अवश्य होगा। यहाँ श्री कृष्ण राजा धृतराष्ट्र से बोलने की अनुमति मांगेंगे और कहेंगे कि मैं चाहता हूँ कि आप दुर्योधन को ही हस्तिनापुर का राजा घोषित करें, लेकिन जब दुर्योधन राजा बन जाएगा उसके बाद उसे एक दान देना होगा जो कि हर एक राजा अपने सिंहासन ग्रहण करने के बाद देता है, और उस दान में पांडव जो भी मांगेंगे या उस दान में पांडवों की ओर से मैं जो भी मांगूंगा वो दुर्योधन को अवश्य देना होगा, उससे वो मना नहीं कर पाएगा। ये सब सुनकर सारे वहाँ पर बड़े मौजूद दुर्योधन को फोर्स करते हैं और कहते हैं कि हाँ ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्री कृष्ण, अगर तुम राजा बनते हो तो जिस दिन तुम्हारा राज्याभिषेक होगा तब तुम्हें दान देना होगा, और दान में श्री कृष्ण जो भी मांगेंगे वो तुम्हें देना चाहिए, उचित होगा। या दुर्योधन सोचता है कि आखिर पांडवों के हित में वो ऐसा क्या मांगेंगे। सबकी बात सुनने के बाद वो ये फैसला करता है और कहता है कि ठीक है आप पहले अपना दान बताइए कि आपको दान स्वरूप चाहिए क्या, उसके बाद मैं निर्धारित करूँगा कि मैं वो दे पाऊँगा या नहीं। यहाँ श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से एक टुकड़ा ज़मीन का मांगेंगे और कहेंगे कि तुम्हारा जो समस्त राज्य है उसमें से तुम कोई भी एक टुकड़ा एक हिस्सा पांडवों के नाम कर दो, जहाँ पर वो खुद अपना राज्य अच्छे से चला पाए। ये सोचकर दुर्योधन खुश हो जाएगा और कहेगा कि बस इतनी सी बात, ठीक है मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं हर एक क्षेत्र का आंकलन कर लूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा क्षेत्र कौन सा टुकड़ा कौन सा हिस्सा मैं पांडवों के नाम करूँगा। ये कहकर दुर्योधन शकुनी मामा के साथ अंदर चला जाता है और विचार विमर्श करने लगता है कि आखिर पांडवों को कौन सा टुकड़ा देना चाहिए। लेकिन यहाँ राजा बनने के बाद से दुर्योधन इतना ज़्यादा प्रसन्न होता है कि वो मामा शकुनी से कहता आता है नज़र कि क्या फ़र्क पड़ता है मामा जी, आप कोई भी हिस्सा दे दीजिए पांडवों को, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक हिस्सा है और हमारे पास समस्त हस्तिनापुर, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। कि यहाँ पर शकुनी अपनी कुटिलता दिखाते हुए श्री कृष्ण के बारे में काफ़ी कुछ भला बुरा दुर्योधन से कहता है नज़र और कहेगा कि भूलो मन, पांडवों के साइड वो श्री कृष्ण वो ग्वाला है जो बहुत ही ज़्यादा कुटिल है और बहुत ही चतुर है, अगर उसने एक हिस्सा मांगा है तो हमें कुछ ऐसा देना होगा जिससे हमें कोई भी भविष्य में कुछ असर ना पड़े। साथ ही तुम्हें ये भी वादा लेना होगा कि ये दान देने के बाद आने वाले समय में पांडव हमसे कोई भी हक या फिर कोई और दान नहीं मांगेंगे। ये सब कहकर दुर्योधन को शकुनी मामा ये आइडिया देता है कि क्यों ना हम पांडवों को वो बंजर जमीन दे जहाँ पर ना तो हवा ठीक से आती है ना पानी, जहाँ सूरज बहुत तेज़ चमकता है और जहाँ एक भी इंसान का नामो निशान नहीं है, ताकि वो सब विमर्श होकर खुद ही वो भाग्य भी छोड़ देंगे और फिर हम सब के साथ में वो बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। ये सब सुनकर दुर्योधन मान जाता है और बाहर जाकर घोषणा करता है कि हम उनको वो राज्य देंगे। उस राज्य का नाम सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और माता कुंती कहती हैं महाराज से कि ये तो सरासर अन्याय है, मेरे पुत्रों को एक ऐसी ज़मीन दी जा रही है जो बिल्कुल बंजर है, ना तो वहाँ पर कोई आदमी है और ना ही वहाँ पर हवा पानी ठीक से आती है, ये तो सरासर गलत बात है। लेकिन राजा धृतराष्ट्र यहाँ पर अपने पुत्र दुर्योधन का सपोर्ट करता है और कहता है कि बात हुई थी यहाँ पर दान देने की और इसका वादा किया था दुर्योधन ने जो संपूर्ण रूप से निभाया है, अब इसके आगे उसके फैसले के आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। यहाँ पर युधिष्ठिर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो अब यही कह देता है सबके सामने हाथ जोड़ कर कि ठीक है अगर आप सब यही चाहते हैं और आप सबको ये ठीक लगता है तो हम उस हिस्से को ही कबूल करते हैं, उसी को हम मान लेते हैं आपका तरफ से दान, लेकिन जिस तरीके से आप सब ने ये अन्याय किया है हम सबके साथ, कम से कम हर कोई ये तो जान पाएगा कि राजा के होते हुए भी पांडवों के साथ अन्याय हुआ था, दान तो दिया लेकिन वो ऐसा दान जिसका कोई मतलब नहीं।
ये सब सुनकर पांडवों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आएगा, लेकिन अर्जुन यहाँ पर अपने मन ही मन सोचेगा कि श्री कृष्ण ने अगर हमारी तरफ से ये फैसला किया है तो इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। अगर वो ज़मीन सबकी निगाहों में ख़राब है तो ज़रूर श्री कृष्ण ने उसमें कुछ अच्छा देखा होगा, तभी वो ज़मीन को वापस लेने के लिए कह रहे हैं और सब कुछ मैं श्री कृष्ण पर छोड़ता हूँ। लेकिन ये श्री कृष्ण इस तरीके से अर्जुन की सोच सुनने के बाद बहुत ज़्यादा दुख होता है उन्हें और बहुत ज़्यादा नाराज़ भी होते हैं, और वो अर्जुन को ये समझाने की कोशिश कर जाते हैं कि जो भी कुछ बुरा पांडवों के साथ हो रहा है वो उसके मौन रहने की वजह से हो रहा है। लेकिन अब देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग, कि कब तक अर्जुन को ये समझ नहीं आता कि श्री कृष्ण के नहीं बल्कि उसे खुद अपने डिसीजन लेने होंगे, जिस पर श्री कृष्ण को नाज होगा। और अभी तो वो श्री कृष्ण की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा बेकार साबित हो रहा है। लेकिन आप सबको क्या लगता है अपकमिंग क्वेस्ट में, क्या अर्जुन को ये सब रियलाइज़ हो पाएगा नहीं? अपनी अपनी राय कॉमेंट जरूर करें।